मुझे इतना प्यार है कि मैं उनके बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। गार्डियन एक्ट में भी है कि बच्चे की जो वेलफेयर है उसकी तलीम और तरबियत है कौन अच्छे तरीके से कर सकता है। छोटी सी अना के लिए जो है ना इतना लंबा सफ़र करते हैं, सारी चीज़ें वो करनी पड़ती हैं फिर अना के लिए। और 20% बाल का ये होता है कि बच्चों को मद्देनज़र रखते हुए उनकी मैरिज को जो है ना हो जाती है, सुलह भी हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कानून के दायरे में मैं हूं आपका होस्ट उज़ैर अब्दुल्ला। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं गार्डियन कोर्ट के अंदर। वालिदैन की अलहदगी की सूरत में वालिदैन गार्डियन कोर्ट से रजू करते हैं अपने बच्चों की सुपुर्दगी के हवाले से या कस्टडी के हवाले से। ये सबसे बड़ा मसला होता है जब वालिदैन अलग होते हैं तो उनकी सुपुर्दगी का जो मामला होता है, यहाँ पर कानूनी तौर पर किस तरह वालिदैन को कस्टडी फराहम की जाती है, कौन सी शिक या दफ़ा के तहत उनको ये तहफ़ फराहम किया जाता है, उसके बारे में जानते हैं, मेरे साथ रहिए। जी नाज़रीन, यहाँ गार्डियन कोर्ट के बाहर हमारे साथ दो पेरेंट्स मौजूद हैं, ये बच्चे के दादा और दादी हैं। उनसे बात करते हैं कि उनका असल मसला क्या है और वो किस लिए यहाँ पे रजू कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बाबा जी, मुझे बताइएगा कि किस मसले के तहत आपने कोर्ट से रजू किया है। हमने नहीं किया, हमारी बहू जब लेके जाएगी, क्योंकि उनका बाप जो है स्टेप फादर था, हैं जी, वो पिछला के थी, इसलिए उसको उसको ज़रूरत पड़ी, वो ले गए। हमारे बच्चे भी दो ले गए, पोता दो हैं, पोते हैं, 4-5 साल से हम तड़प रहे हैं, हैं जी, कोई कमी नहीं, कोई किसी ना खाने की ना रहने की ना कोई कमी नहीं, कमी उनको थी, हैं जी, क्योंकि उनकी बेटियों की शादी हो चुकी थी तो उनका एक बच्चा नॉर्मल था, उसको सामने के लिए हमारी बहू दे रहे। अब बच्चे आपके पास है, आप उनके बच्चे उनके पास है, हम तड़प रहे हैं, मियाँ भी हम दोनों ही होते हैं, मियाँ भी बच्चियाँ भी शादी कर रही हैं, दो बच्चे थे वो ले गए, कि हम दोनों मियाँ भी बूढ़े, हम इतने बड़े मकान में बैठे होते हैं। मुझे ये बताइएगा, कोर्ट में आप मुलाकात के लिए आई हैं बच्चों से? मुलाकात में आया जी। तो कोर्ट आपको किस हद तक मदद फराहम करी है, बच्चों से मुलाकात हो पाती है आपकी? एक घंटा होती है जी, 3-5-6 महीने नहीं हुई कोरोना की वजह से, हाँ जी, अब होती है एक घंटा भी नहीं, बल्कि 2 घंटे का टाइम है, 1.25 घंटा तकरीबन लगता है। माँ जी, मुझे बताइएगा, ये बड़ा नाजुक सा मरला है, तकलीफ दह मरला है बच्चों से अलहदगी, तो आप इसके ऊपर क्या कहेंगी? बस मैं तो ये कहूँगी कि बेटा, मैंने इस 5 साल में इंतहा कोशिश की अपनी बहू को बनाने की, कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई मिन्नत नहीं छोड़ी, कोई समाजत नहीं छोड़ी, कोई हाथ इतने जोड़े हैं, पाँव को हाथ लगाए हैं, हर तरह की माफ़ी की, अगर हमसे गलती है तो हमें माफ़ कर दो, अल्लाह के वास्ते घर को ना छोड़ो। उसने जो कुछ अदालत में रजू किया, खुद किया, हमने उसका जवाब भी नहीं दिया, ना हमने देना चाहते, हम अभी भी कहते हैं कि वो बच्चों को लेके खा रहा है। वजह क्या बनी, किस वजह से, कौन सी ऐसी मसाइल थे जिसकी वजह से बोला गया? हमें ये खुद भी नहीं पता, मियाँ बीवी में मामूली तनाज़े पे घर चली गई है, घर जाके इतने लंबे मुतालबात किए जो हम पूरा नहीं कर सकते थे। बेटे, हमारे इतने वसाइल नहीं थे कि हम घर अलग ले सकते या मेरा बच्चा अलग कर। आपका बेटा कॉपरेट करते हैं आपसे? आपका बेटा? मेरा बेटा तो आप घर में ही है, पुत कॉपरेट करते हैं, तो हमारे साथ ही है बेचारा, रो भी रहा है। और 5 साल में उसने एक दफ़ा नहीं, ये मुझे कहा कि अम्मी, मुझे ज़माने ने कहा कि इसकी शादी कर दो। बाजी, इसमें आपके घर में किस चीज़ की कमी थी? कोई, अल्लाह का शुक्र था बेटे, हर कोई लैंडलॉर्ड नहीं होता, हर कोई गरीब नहीं होता, कोई गरीब अपने घर छोड़ के नहीं चले जाते, और ऐसी भी कोई बात नहीं थी कि बहुत बड़े मसाइल थे। अल्लाह जाने उसे क्या हुआ बेटे, मुझे खुद भी समझ नहीं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 पोते हैं, और मुझे इतना प्यार है कि मैं उनके बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। तो आप मुलाकात के लिए यहाँ पे आते हैं? जी, मुलाकात के लिए तो 2 साल से आ रही हूँ, मगर 6 महीने से मैं बहुत बीमार हूँ। तो बच्चे आपसे मिलते हैं? बच्चे मिलते हैं, मगर बच्चों को आप सारी समझा दिया कि अदालत में कैसे मिलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद बशीर खोखर, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और गार्डियन के केसेस सॉल्व करते हैं, एक्सपर्ट भी हैं, यहाँ से उनसे बात करते हैं गार्डियन कोर्ट के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, मुझे बताइएगा कि गार्डियन कोर्ट क्या है और किस तरह काम कर रही है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पाकिस्तान में जो गार्डियन एक्ट है
उसके तहत ही जो है गार्डियन फोर्स बनाई गई हैं जो काम करती हैं, जिसके तहत जो है गार्डियन केसेस सॉल्व होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इन दो सूरतें हैं, बाद का ये होता है कि पेरेंट्स में नचाकी की सूरत में डाइवोर्स हो जाती है, और कई केसेस ऐसे हैं कि अभी मैरिज इंटैक्ट होती है और जो है नचाकी हो जाती है, उसके लिए कोर्ट्स में आते हैं। जब नाबालिग या बच्चे के लिए कोर्ट में आते हैं तो वो गार्डियन कोर्ट जो है वो इस केसेस को डील करती है, जिसको हम गार्डियन कोर्ट बोलते हैं। नॉर्मली ये होता है कि जो बच्चे किसी पेरेंट्स के पास होते हैं, मसलन वालिद के पास होते हैं, तो वालदा जो है वो कोर्ट में आ जाती है कि मुझे इससे मीटिंग करवाई जाए या इसकी कस्टडी जो है मेरे हैंड ओवर की जाए। उस सूरत में केसेस दायर किया जाता है। अब कोर्ट ने वेलफेयर ऑफ माइनर देखने होता है कि बच्चा जो है नाबालिग जो है उसकी वेलफेयर किसके पास अच्छी है, वालदा के पास ठीक है या वालिद के पास ठीक है। उस हवाले से फिर कोर्ट जो है सारी चीज़ों को देखते हुए एक मीटिंग शेड्यूल भी करती है। जो कोर्ट में होता है वो सारा जो है म्यूचुअल होता है। बाद का ये होता है कि पेरेंट्स इस चीज़ पे एग्री हो जाते हैं कि मीटिंग हम घर में कर लेते हैं अच्छे माहौल में। अगर वो इस चीज़ पे एग्री नहीं होते तो फिर कोर्ट जो है अपना काम करती है अकॉर्डिंग टू लॉ। कोर्ट ने एक विजिटेशन रूम बनाया हुआ है, कोर्ट एक स्केड्यूल बना देती है, शेड्यूल बना देती है, उसके मुताबिक जो है मीटिंग होती हैं बच्चों की इधर कोर्ट रूम में। सर मुझे ये बताइएगा, तलाक की शरह में इजाफा हो रहा है, वजूहात क्या हैं, एक चीज़। दूसरा ये कि इस तरह जो अदालत किस हद तक ये मामला हल करवाने में मददगार साबित हो रही है आवाम के लिए। आपने क्वेश्चन किया कि शरह तलाक में इजाफा हो रहा है, ये बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इसमें और इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो इसमें ज़्यादा हम, एक तो मॉडर्निज्म में हम आगे हैं, हमने समाजी अपने जो रवायात थी, जो पहले कोई थोड़ा बहुत नचाकी होती थी तो उसको अपने फैमिली के बड़े बैठ के सॉल्व करते थे, उस चीज़ को हम भूल गए हैं। हमने थोड़ी सी भी नचाकी होती है अदम बर्दाश्त की वजह से हम कोर्ट में आ जाते हैं फौरन, और कोर्ट में आके एक छोटी सी बात के लिए, बाद बात मैंने ऐसे केस भी किए हैं कि कोर्ट में आने के बाद डाइवोर्स हो जाती है, अब फिर सारे जो है ना बाद में बहुत प्रॉब्लम होती हैं। सिर्फ उसमें बाद बात एक लड़की है तो उसकी ना है, पूरा ख़ानदान तबाह हो गया, उसमें दो बच्चे थे, उस शादी से तीन बच्चे थे, अब बच्चों का मुस्तकबिल किया, और बीच में थोड़ी सी एक अनाक फैक्टर होता है उसको जो हम, अगर उसमें मैं कहता हूँ कि माशरा जो है वो अहम रोल करदार अदा कर सकता है, हम वकला भी उसमें कर सकते हैं। मेरी कोशिश होती है फैमिली केसेस में, गार्डियन केसेस में, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो रिकन्सिलिएशन की कोशिश की जाए, जहाँ बच्चे हों तो उसमें मेरा ज़्यादा ये होता है कि बच्चों के लिए जो अगर एक दूसरे में कोई कमी कुताई है तो उसको सॉल्व करके मैरिज को इंटैक्ट रखा जाए, बच्चों के लिए रखा जाए, क्योंकि बच्चों अगर इन केस डाइवोर्स हो जाती है, अगर बच्चे फादर के पास रहेंगे तो वालदा से महरूम हो जाएंगे, उनकी ममता से महरूम हो जाएंगे, अगर वालदा के पास आ जाएंगे तो फादर के जो बाप है उसके प्यार से महरूम हो जाएंगे। ये तो एक अंडरस्टूड सी बात है। सर आपने अलहदगी की बात की है, पेरेंट्स के दरमियान अलहदगी हो जाती है, ठीक है, तलाक हो गई है, डाइवोर्स हो गई है, तो क्या हद है उम्र की बच्चों की कि अगर बच्चा 7 साल का है तो वालदा के पास रहेगा, और कौन सी ऐसी उम्र है कि वो वालिद के पास रहेगा, इसके बारे में बताइएगा। अब उसमें गार्डियन जो है वो जब केस में आ जाते हैं ना गार्डियन कोर्ट में, तो फिर गार्डियन कोर्ट ने देखना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फैक्टर है वो गार्डियन कोर्ट ने ये देखना है कि वेलफेयर ऑफ माइनर जो गार्डियन एक्ट में भी है कि बच्चे की जो वेलफेयर है उसकी तलीम व तरबियत है कौन अच्छे तरीके से कर सकता है, वो बाप कर सकता है या वालदा कर सकती है, और बच्चे को जो केयर है, अब एक मिसाल के तौर पे 2 साल की बच्ची है, उसकी जो है वेलफेयर जो जितनी वालदा अच्छी तरीके से कर सकती है, मेरा ख्याल है बाप नहीं कर सकता। इस चीज़ को कोर्ट ने भी कंसीडर करना है, और सारी चीज़ों को देखते हुए कोर्ट ने वेलफेयर ऑफ माइनर देखना है। आपने बात की कि किस एज तक, एज लिमिट नहीं है, नॉर्मली हम कह देते हैं कि 7 साल के बाद ही बाप का राइट है, बाप तो नेचुरल गार्डियन है, उसका तो राइट हर वक्त है किसी वक्त, लेकिन कोर्ट ने जो देखना है वो वेलफेयर ऑफ माइनर देखना है, और जो 7 साल से बड़े होते हैं और कोर्ट उसकी जो है ना वेलफेयर ऑफ माइनर के मद्देनज़र रखते हुए उस माइनर की स्टेटमेंट को भी कंसीडर करती है कि वो किसके पास रहना चाहता है, वो इजी या कन्वीनियंट के बाप के पास फील करता है या वालदा के पास फील करता है, वो चीज़ें भी देखनी होती हैं।
सर, ये बड़ा तकलीफ दे मरहला होता है वालदैन की अलहदगी की सूरत में, केसेस आपके सामने आते रहते हैं, मुझे ये बताइएगा कितनी फ़ीसद शरह जो है वो केसेस हल हो जाते हैं या पॉजिटिविटी की तरफ कितने केसेस जाते हैं पेरेंट्स के दरमियान जब ये नाचाकी की सूरत में? मेरा ख्याल है कोई 80% जो है ना वो तो जब कोर्ट में आ जाते हैं तो बहुत दुख के साथ मैं कह रहा हूँ कि वो मसला वहीं का वहीं रहता है, फिर उसने मैटर को कोर्ट ने ही सॉल्व करना होता है अपनी अना पे। बाद का पेरेंट्स छोटी सी अना के लिए जो है ना इतना लंबा सफ़र करते हैं, सारी चीज़ें वो करनी पड़ती हैं फिर अना के लिए। और 20% बाद का ये होता है कि बच्चों को मद्देनज़र रखते हुए उनकी मैरिज को जो है ना हो जाती है, सुलह भी हो जाती है, ज़्यादा चांसेस होते हैं सुलह के। अगर उसमें माशरे में, फिर वही बात कर रहा हूँ, माशरा हम लोग ये रोल अदा करें, कोर्ट्स तो भी कोशिश करती हैं कि जिनके बच्चे हैं उनकी आपस में सुलह हो जाए, तो उसके लिए तो फिर ये माशरे को भी एक रोल अदा करना चाहिए। किस कानून औशिक के तहत जो है वो गार्डियन पेरेंट्स को ये हक प्रोवाइड करती है कि वो मुलाकात के लिए जाएं? गार्डियन 12 सेक्शन की गार्डियन एंड एक्ट के तहत जो है ना एक टेम्परेरी कस्टडी की एप्लीकेशन फाइल की जाती है कोर्ट में कि मुझे इसकी बच्चे जो नाबालिग है उसकी जो है कस्टडी मेरे हैंड ओवर की जाए। नॉर्मली जो कोर्ट होती है जिसके पास कस्टडी होती है उसी के पास रहने देती है, जो एप्लीकेशन पेरेंट्स देता है उसके लिए मीटिंग का जो है ना राइट वो शेड्यूल मुरतब कर देती है, क्योंकि बाद केसेस में या कोर्ट ये समझती है फिलहाल जिसके पास कस्टडी है एविडेंस और सारे शवाहद को और देखने के बाद जो है ना बच्चे की जो है ना कस्टडी रिमूव की करती है कोर्ट नॉर्मल, और उस एप्लीकेशन पे जो इंटरिम कस्टडी की दी जाती है उस पे कोर्ट जो है वो मीटिंग शेड्यूल जो है मुरतब कर देती है। नॉर्मली जो है एक माह में 2 मरतबा होता है 15 डेज के बाद मीटिंग जो है, बाद का 2 घंटे के लिए कोर्ट कर देती है, बाद का 4 घंटे के लिए कर देती है, ये पेरेंट्स की कन्वीनियंट को और देखते हुए कोर्ट करती है। सर, माइनर की वेलफेयर के हवाले से कोर्ट जो है कौन सी दफात के शिक के तहत मदद फराहम कर रही है बताइएगा? नॉर्मल जो है गार्डियन एंड वार्ड एक्ट एक पूरा एक्ट है जिसके तहत जो कोर्ट है गार्डियन केस प्रोसीड करती है। अब गार्डियन में जो शिक आपने बताया गार्डियन पूरा एक्ट है, अब इसमें गार्डियन कस्टडी के अलावा बच्चों की बाद का इन केस ऑफ डेथ उसके फादर की जो प्रॉपर्टी थी उसमें शेयर भी बच्चों का एग्जिस्ट कर जाता है, उसकी वेलफेयर भी जो उसकी बच्चे की प्रॉपर्टी है वो भी कोर्ट ने देखनी होती है, उसका भी गार्डियन मुकर्रर करना होता है। ये सारे मामला जो होते हैं ये गार्डियन कोर्ट के ही अंडर आते हैं। हमारा गार्डियन पूरा एक्ट है जिसके तहत ये कोर्ट जो है इस केसेस को प्रोसीड कर। नाज़रीन, गार्डियन कोर्ट के अंदर हमने देखा कि किस तरह बच्चों और वालदैन की कस्टडी के हवाले से फ़ैसले किए जाते हैं। हमें ये देखना होगा कि क्या हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं। वालदैन की अलहदगी की सूरत में सबसे ज़्यादा खमियाजा बच्चों को भुगतना पड़ता है। आज बच्चों को रोता हुआ देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। हमें अपनी ज़िम्मेदारी निभानी होगी और माशरती इकदार को बेहतर करना होगा। आज के लिए इतना ही, नए एपिसोड के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।